Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Friends, today I will tell you that how to stitch a frock for 10 years old girl. So friends, ये मेरे पास एक नेट का फैब्रिक है. दो लेयर्स वाली फ्रॉक्स मैं बनाऊंगी. दो लेयर्स होंगी इसमें नेट की. दिस इज़ अ नेट फैब्रिक. यू नीड एटलीस्ट 2.5 मीटर्स ऑफ नेट फैब्रिक फॉर दिस फ्रॉक. सो ये जो है वो फर्स्ट लेयर है और ये लॉन्ग होगी और इसके बाद मैं एक शॉर्ट लेयर बनाऊंगी इसी तरह की नेट की लेके. मैं आपको विड्थ और लेंथ आपको नीचे लिखी हुई नज़र आ रही होगी. यू कैन नोटिस नोट दैट ऑन अ पेज. और ये जो कपड़ा मैंने लिया है नेट का, ये आपको 2.5 मीटर में आराम से आपकी बन जाएगी. ये आप 8 से 12 ईयर्स ओल्ड के लिए बना सकते हैं. मैं लॉन्ग बना रही हूँ, आप चाहे तो बेशक थोड़ी सी लेंथ कम कर सकते हैं. सो आपको डबल पीस चाहिए, ठीक है. डबल में मैं आपको लेंथ बता रही हूँ और सिंगल में मैं आपको इसकी विड्थ बता रही हूँ. ये आपकी फर्स्ट लेयर होगी. दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द फ्रॉक विच इज़ अ लॉन्ग लेयर एंड दिस इज़ अ बिट स्मॉलर देन द फर्स्ट लेयर. सो लेट मी टेल यू अबाउट द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ दिस एरिया. द टोटल एरिया एंड द टोटल फैब्रिक ऑफ दिस नेट, सो 24 विड्थ एंड लेंथ जो है मैं आपको फुल बता रही हूँ, ठीक है. द होल लेंथ इज़ अबाउट 120 इंचेस विड्थ, ठीक है. तो ये आपकी हो गई है सेकेंड लेयर. साथ में अब क्योंकि नीचे आपने इनर लगाना है, शमीज़ लगानी है, स्लिप लगानी है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसका, क्योंकि आपको पता है कि स्लिप इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रॉक. सो वो मैं शॉर्ट लेयर जो मेरे पास जो सेकेंड लेयर है उसके जितनी ही लेंथ और विड्थ मैं लूँगी. सो नाउ आई एम टेकिंग अनदर फैब्रिक, दैट्स अ स्लिप फैब्रिक, द इनर फैब्रिक. It should be of the same length of the second layer as it should be smaller than the frog. So ये मैंने कपड़ा ले लिया है. इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ, नीचे लिखी हुई भी आ रही होगी तो आप वहाँ से नोटिस कर लें. नाउ फ्रेंड्स, ये जो है मैं फुल स्लीव फ्रॉक बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके लिए लंबे लिए हैं स्लीव्स. आप चाहे तो शॉर्ट स्लीव फ्रॉक भी बना सकते हैं. सो इसकी लेंथ और इसकी विड्थ मैं आपको बता देती हूँ. डबल फैब्रिक आप यूज़ करेंगे नेट का और जितनी जो है वो बच्चे की लेंथ और विड्थ है उसके मुताबिक आप इसको नोटिस कर लीजिए. और साथ में आपको मैंने मेंशन करके बता दी है. सो फ्रेंड्स, इसको डबल फोल्ड करके आपने स्टिच करना है. ये जो है अपर बॉडी पार्ट होगा, अपर बॉडी होगी इसकी फ्रॉक की. इसमें मैंने डबल फैब्रिक ली है नेट की और डबल फैब्रिक मैंने ली है इनर की. इसकी आप मेजरमेंट कर लेंगे. आपकी लेंथ और विड्थ आपको मैं बता रही हूँ, साथ में लिखी भी नज़र आ रही होगी आपको. 12 इंचेस लेंथ एंड विड्थ भी मैंने आपको बता दी है. अब हमने इसकी कटिंग करनी है. ये डबल पीस है, ठीक है. दोनों का डबल डबल पीस मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं. अब इनकी कटिंग किस तरह करनी है, एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनकी आप फ्रॉक बना सकते हैं. तो उसके लिए आपको जो मेजरमेंट चाहिए शोल्डर्स, नेक एंड स्लीव्स की, लेट मी टेल यू अबाउट दैट. सो टोटल लेंथ को हम हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे. शोल्डर्स की लेंथ कम होती है, नेक की ज़्यादा होती है. सो 4 इंचेस मैंने इसके शोल्डर्स रखे हैं और 6 इंच इसकी मैंने, क्योंकि 10 होता है ऑलमोस्ट, तो 6 इंचेस आप इसकी नेक रख सकते हैं, नेक एरिया रख सकते हैं. और फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप बच्चे की जो फ्रॉक होती है उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं. अब जो स्लीव्स हैं वो भी मैं मेजर कर लूँगी ताकि ईज़िली आपकी जो है वो कटिंग हो जाए. मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे की जो फ्रॉक है उसको आप रख के और उसके साथ मेजरमेंट ले लें. ये तकरीबन 7 इंचेस जो है वो इसकी मैं स्लीव का एरिया जो है वो मेजर कर रही हूँ. सो आपने इसके निशान लगा लेने. निशान लगाने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे. बहुत ही नीट तरीके से आपने कटिंग करनी है इसकी. छोटी छोटी बारीकियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपकी जो फ्रॉक है वो इसी तरह अच्छी से स्टिच होगी जब आपकी कटिंग अच्छी होगी. सो फ्रेंड्स, ये हो चुके हैं रेडी. अब हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, अटैच कर लेंगे नेट फैब्रिक को और इनर को. आपने इस तरह इसकी स्टिचिंग करनी होगी. उससे पहले हम इनको बराबर काट लेते हैं. Now guys, it's already. अब ये जो फ्रेंड्स कपड़ा है, ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया. दिस इज़ एन एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ द फ्रॉक, ठीक है. ये मैं ऊपर लगाऊंगी, फ्रॉक के ऊपर मैंने इसको लगाना है.
मैं इसकी लेंथ और विड्थ आपको बताती हूँ, या आपको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा। अगर आपका 2.5 में फ्रॉक नहीं बन रही तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा भी ले सकते हैं नेट का। इस तरह लगा के, इस तरह करके मैंने इसको फ्रॉक के ऊपर लगाना है आफ्टर स्टिचिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी अपर बॉडी सीना शुरू करते हैं। पहले तो आपने नेट को अटैच करना है इनर के साथ, और दोनों को जब आप अटैच कर लेंगे तो फिर हम इसके साथ इसके स्लीव्स जो है वो लगा लेंगे। सो वीडियो को बहुत एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप की अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। एज यू सी, आई अटैच दिस नेट विद द इनर। इसी तरह मैं शोल्डर्स को भी इसके साथ अटैच कर लूंगी, नेक को भी मैं इसके साथ अटैच कर लूंगी अच्छे से। दोनों को अटैच करने के बाद मैंने आपको दिखा दिया कि आपने अपर बॉडी कैसे करनी है। अब हम स्लीव्स पे आ जाते हैं। स्लीव्स का जो एरिया है उसके मुताबिक आपने इसकी कटिंग करनी है। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा फैब्रिक, आप लगाना चाहे ना लगाना चाहे आपकी मर्जी है। 5 inches मैंने इसको इस तरह से काट लिया, 5 inch इसकी विड्थ है और लेंथ जो है इसकी स्लीव्स के मुताबिक आपने रखनी है। इसको आपने स्लीव्स के आगे अटैच करना होगा और इस तरह से आपके स्लीव्स तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसको अपर बॉडी के साथ इसको अटैच कर लेंगे। दीज आर स्लीव्स।
स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको अटैच करने से पहले हमने फ्रॉक का जो लोअर पार्ट होता है, जो उसका घेरा होता है, वो बनाना है। ठीक है, घेरा बनाने के बाद हम इसको फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। तो इसलिए ये है आपकी द फर्स्ट लेयर ऑफ द फ्रॉक। सो आपने इसको किस तरह से स्टिच करना है, दोनों लेयर्स को आपने इस तरह स्टिच करना है। दिस इज़ द फर्स्ट लेयर। सो इसमें हम चुंडे डालेंगे, रफ़ल करेंगे इसको, और रफ़ल करने के बाद हम इसके साथ इनर अटैच करेंगे, और इनर अटैच करने के बाद हमने इसको फ्रॉक के साथ जोड़ लेना है। You have to make ruffle from all the four layers of the frock. ठीक है, उसके बाद आपने दोनों layers को आपस में attach करना है, छोटी और बड़ी दोनों layers को। देखिए ये मैं छोटी वाली layer कर रही हूँ, नीचे से पीको करवा लीजिएगा। दोनों layers को आपने कर लेना है आपस में stitch, और उसके बाद inner लगेगा। You have to stitch both the layers upper longer and the smaller one. And after that you have to attach them together and then you have to stitch the inner with them. ये देखें, ये एक लेयर होगी, ठीक है, लॉन्ग लेयर होगी। इसके साथ हम रखेंगे ऊपर शॉर्ट लेयर, दिस इज अ शॉर्ट लेयर, और दोनों को आपस में कर देंगे स्टिच। ठीक है, दोनों को स्टिच करने के बाद ये देखें, ये ऑल रेडी हो चुकी है। एक लॉन्गर है और एक शॉर्टर है। One is long and the other is short. Now you have to attach this inner area. As you know, when it's piping kar liye, you have to make it a bit neat. Piping karne ke baad inner ki aapne isko iske saath attach kar lena hai. Is tarah aapki layers frock tayar ho jayegi. Ab aapne dono back side ki aur front side dono ki layers ko isi tarah tayar kar lena hai. Aur phir hum isko upper body ke saath attach karenge. Okay guys, as I already attached the both layers, now I'm going to attach an extra piece of fabric. तो ये आपने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आपने इसको साइड पे जो है वो लगा लेना है डिज़ाइनिंग के लिए। दिस इज़ फॉर द डिज़ाइनिंग। सो साइडों से बंद करने से पहले आपने इसको कपड़े के साथ अटैच कर लेना है। सिर्फ आपको यहीं से अटैच करना पड़ेगा, यहीं से स्टिच करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में मैं इसको वो कर लूँगी। बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिएगा नेट को, ताकि बीच में कोई चुनट ना आए। फ्रॉक की बात कर रही हूँ, मतलब फ्रॉक पे कोई चुनट नहीं आएगी, और ऊपर से हम चुनट डाल के इसको साइड से फ्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे। और उसके बाद आपने फ्रॉक को साइडों से बंद करना है। यू हैव टू स्टिच द फ्रॉक फ्रॉम साइड्स आफ्टर यू अटैच दिस एंड एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक ऑन द फ्रॉक। Thank you.
आप देख सकते हैं मैंने दोनों को रेडी कर लिया। पहले मैंने स्लीव्स इनर एरिया से लगाए थे, ठीक है, क्योंकि मैं आप चाहे तो फुल कवर भी कर सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी हो गई है रेडी, ठीक है, द फ्रॉक इज़ रेडी नाउ। और स्लीव्स आप देख सकते हैं सिंपल नेट के स्लीव्स हैं, लेकिन नीचे स्लिप का कपड़ा लगाया गया है। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ली थी वो आपने क्या करनी है कि उसमें चुनट डालनी है। चुनट डाल के आप कोई सा भी पैच ले लें, कोई सा भी आप जो है वो अच्छा सा कोई वो ले सकते हैं, पैच वगैरह, पैच वर्क की इस तरह के बहुत से मिल जाते हैं। बंच लिया है ये मैंने सिल्वर सा, आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। और लेंथ और विड्थ तो मैंने आपको ऑलरेडी इसकी बताई है कि आपको कितनी चाहिए होगी। इस तरह आपने रख के और इसके साथ इसको अटैच कर लेना है। ये बहुत ही प्यारी सी लुक आएगी। यहाँ से आप सेट कर लीजिएगा, यू हैव टू स्टिच इट फ्रॉम द मिडल एरिया सो दैट जो चुनट है वो अच्छे से आ जाए। इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने से पहले आपने क्या करना है फ्रेंड्स कि इसके ऊपर आपने नग लगाने, ठीक है, डायमंडीज यू कैन यूज़ दैट ऑन द फ्रॉक। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने ये देखिए ये डायमंड्स छोटे छोटे नग होते हैं, डायमंडीज इसको कहते हैं। तो ये आपने इस तरह से इस एरिया के ऊपर अटैच कर लेंगे और साथ में हम स्लीव्स के ऊपर भी अटैच कर लेंगे। ये आप ग्लू गन से कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट ऑप्शन इज़ द फैब्रिक ग्लू, सो आई एम गोना यूज़ अ फैब्रिक ग्लू ऑन इट। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर लगा लिए हैं फैब्रिक ग्लू से। अब आप इसको फोल्ड करके इसमें रफल डाल के, इसमें चुन्नी डाल के आप इसको ऊपर बंच को अटैच कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसको लुक दूंगी, बहुत ही प्यारी देखने में लग रही है। तो आई होप कि आपको भी अच्छी लग रही होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर और ज़रूर बताइएगा कि आपको आपकी कैसी बनी है फ्रॉक और आपने कुछ लर्न किया है इस वीडियो से कि नहीं किया। अब ये मैंने लॉन्ग फ्रॉक बनाई है, आप चाहे तो लेंथ को छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो फ्रॉक होती है ये लॉन्ग बनती है। इसे फ्रंट सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर जो है वो बंच मैंने लिया है वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो इस तरह आपकी जो फ्रॉक है वो रेडी हो जाएगी, लेकिन सेट ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा पहले बंच लगाने से पहले, ताकि बाद में उसको सेट करना आपके लिए मुश्किल ना हो। इसलिए ये मैं थोड़ा स्लोली दिखा रही हूँ आपको कि मैंने किस तरह से इसको सेट किया है। अब यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कार्ड देती हूँ। और हम इसको पिनअप कर लेते हैं ताकि जो बंच है उसको लगाना जो है वो हमारे लिए आसान हो। पहले आप नीचे से इसको स्टिच कर लें शर्ट के साथ और उसके ऊपर फिर मैं बंच को अटैच करूंगी। ग्लू से मैंने ये लगा लिए हैं नग और नाउ योर फ्रॉक इज़ रेडी एंड बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके साथ आप हाई नेक का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट स्लीव्स बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है, साथ में आप मैचिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पर्स वगैरह दे दें, हेयरबैंड्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे चैनल पे आए हों। देखिए, थैंक यू।